पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के मूल्य वृद्धि पर देखिए जनता का ओपिनियन क्या है। आइए देखते हैं एनआई द्वारस न्यूज। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के खबरों से जुड़े रहें। धन्यवाद। अच्छा, आप अभी गैस सिलेंडर का क्या रेट है? अभी गैस सिलेंडर रेट है 823 रुपया। 823 रुपया। तो ये अचानक जो है इतना जो बढ़ा है, कस्टमर का क्या ओपिनियन है अभी? कस्टमर लोग क्या बोलते हैं? कस्टमर लोग बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम भी बढ़ गया, डीजल का दाम भी बढ़ गया, गैस का दाम भी बढ़ गया। उससे भी सब्सिडी भी कम है, 33 रुपये सिर्फ सब्सिडी है। सिर्फ 33 रुपया अभी सब्सिडी मिल रहा है। तो देख रहे हैं दर्शक बिंद, हम अभी गैस एजेंसी की दुकान में आए हैं। एक अभी बुक हमने एंट्री कराया है, ये बुक में अभी आप एंट्री किए हैं। यहाँ पे आपका रेट जो है यहाँ 822 रुपया 50 पैसा, तो मतलब 823 रुपया ही लेते हैं। हमारा नाम सुशील सरकार है। गैसेर दाम ऊपर थेके जेभाबे बाड़छे सेभाबे तो गैस आमादेर नितेई होच्छे। आमरा तो निरुपाय, এটা ছাড়া আমাদের চলতেও না। কিন্তু এখন গ্যাস যেভাবে বাড়ছে, আমাদের যে আর্থিক পরিস্থিতি সবারই অল্প খারাপ আছে, কিন্তু খারাপ আছে তারপরে সাবসিডি সেইভাবে, হ্যাঁ, সেই জন্য আমাদের একটু অসুবিধাই হচ্ছে, জনসাধারণের একটু অসুবিধাই হয়ে যাচ্ছে, অসন্তুষ্ট হচ্ছে। আপনি কিতনা মে সিলিন্ডার লে রহে হ্যায়? আপনি 822 রুপয়া 50 পয়সা মে লে রহা হ্যায়। সাবসিডি কিতনা মিল রহি হ্যায়? সাবসিডি শায়দ 33 রুপয়া হোগা। अभी यहाँ आप किस लिए आए हैं? जी मैं यहाँ पे गैस भराने आया हूँ। तो ये गैस सिलेंडर आपको कितना में मिल रहा है? अभी तो बहुत दाम बढ़ गया है, पर महीना पर 12 दिन ऐसा करके हर दिन गैस का दाम बढ़ रहा है। जैसे कि अभी मैंने कुछ एक महीना पहले भराया था, करीबन 752 रुपये कुछ ऐसा था, एक महीना बाद देखा जा रहा है अभी 822 रुपये हो गया है। बताइए ऐसे कैसे होगा? हाँ, मजदूर आदमी तो दिन ब दिन रोड में आते जा रहा है, कैसे घर चलाएगा? बोलते प्रधानमंत्री ने उज्जवल योजना भारत चालू करके यहाँ पे धुआं से मुक्ति की बात कर रहे थे, ये तो अभी और धुआं लाने की बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? घटना चाहिए, और चुनाव आ रहा है, उसी आ रहा है, और बढ़ रहा है दाम। बताइए पहले कितना में लेते थे आप 2014 से पहले? 2014 में जब सब्सिडी नहीं कटता था तब उस समय में करीबन 400-422 रुपये में गैस घर में आता था। अभी उसका डबल हो गया तो क्या फ़ायदा हुआ? सब्सिडी अभी 25 रुपये कट रहा है, 33 रुपये, हाँ 33 रुपये कट रहा है, ये कोई बात है? कभी घुसता है कभी नहीं घुसता है, हाँ। सब्सिडी भी रेगुलर नहीं घुसती? सब्सिडी घुसता ही नहीं है, मेरा कितना 3 बार से घुसा ही नहीं है अभी तक। तो अभी जो ये गैस आप लोग आप लिए कितने कितने में लिए हैं गैस? 823 में। और ये जो दाम बढ़ा है इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है सर, पहले तो कम था अभी तो बढ़ गया है ना। तो क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन। अच्छा शमसुद्दीन जी, आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कहना चाहता है कि दाम कम करें। मेरा नाम सलोमी लकड़ा है। तो ये गैस सिलेंडर बढ़ा है उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ रहा है, इसलिए हम लोग ज़्यादा चूल्हा यूज़ कर रहे हैं, गोबर का उपला यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, दाम ज़्यादा है इसलिए आप गोबर का उपला और लकड़ी यूज़ कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं सरकार से आप? एक तो लड़का साइकिल लेकर जा रहा था, उसको सुझाया। सरकार से क्या कहूँगी कि थोड़ा सिलेंडर का दाम घटाइए। रसोई गैस सिलेंडर के जायजा जनता से जानने के बाद हमने पेट्रोल पंप का भी जायजा लिया। यहाँ द्वारस इलाके के बानरहाट पेट्रोल पंप पर कई लोगों से हमने बात की और लोगों में बढ़ते हुए पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य को लेकर नाराजगी देखी गई। देखिए लोगों ने क्या कहा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पेट्रोल का दाम तो है 91.79 पैसे और डीजल 84.57 रुपये लीटर डीजल का दाम हो गया। तो डीजल और पेट्रोल के दाम में मात्र 7-8 रुपये का अंतर है, डीजल और पेट्रोल का दाम एक ही हो गया है। लोग त्राही माम कर रहे हैं बढ़ते हुए पेट्रोल को लेकर। आते हैं उपभोक्ताओं का क्या राय है बढ़ते मूल्य पर? तो क्या कहना चाहते हैं, महंगाई बढ़ गया, आप क्या कर सकते हैं? इतना करने से कैसे चला पाएंगे गाड़ी, ये भी तो है। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब के लिए 91 रुपीज़ देना बहुत, बाइक चलाना मतलब 92 रुपया ही हो गया, सेंचुरी होने वाला 92 ही हो गया, अब सेंचुरी होने वाला ही है। अब इससे आप क्या
रेट कम कर देने से हम लोग को भी बाइक चलाने में सुविधा होगा। क्या नाम है आपका? मेरा अजय प्रसाद जौहरी। तो ये अजय जी अभी बहुत ही नाराज़गी इनमें देखी जा रही है और यहाँ बहुत सारे और भी भाई लोग आए हुए हैं पेट्रोल भराने के लिए। आपका क्या नाम है जी? चंद्रगोड़ा। क्या नाम है? क्या कहना है सर जी, इसमें तो बहुत ज़्यादा ही है, क्या बोलेंगे? जो प्रोसेस अब क्या है वो तो करना ही चाहिए आपको। इसमें संतुष्ट है आप? संतुष्ट नहीं है सर जी। क्या करते हैं सर जी? मैं TVS ऑटो शोरूम में। शोरूम में आप काम करते हैं? जी सर। तो बजट बिगड़ रहा है? बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है सर। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से यही दुआ है कि कुछ हम लोग को भी देखिए। तो लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है बढ़ते पेट्रोल पंप के दाम से। लोग काफ़ी नाराज़ है, आहत है। यहाँ देख सकते हैं आप, अभी हम लोग मीटर बोर्ड को दिखाएंगे आपको। ये मोटर बीड है, पश्चिम बंगाल उत्तर बंगाल बानरहाट से हम लोग हैं। यहाँ देखिए 91.79 यानी कि 79 पैसे, 91.79 रुपये यानी कि आपका 21 पैसा कम, 92 रुपये रेट हो गया है। सेंचुरी से 8 रुपया कम है। यहाँ लोग पेट्रोल पंप पर आ रहे हैं, जैसे ये रेट बोर्ड को देख रहे हैं उनके अंदर मायूसी देखा जा रहा है। अभी यहाँ पे एक और युवा भाई है, ये भी तेल भराने के लिए आए हैं। आपका बाइक तो बहुत अच्छा है, बाइक तो बहुत अच्छा है आपका, और पेट्रोल भराने आए हैं। कैसा लग रहा है आपको दाम सुनकर? दाम सुनकर तो आप क्या बोले, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया अब हम लोग का तो। अब मेरा बाइक तो ऐसे ही ज़्यादा तेल खाता है और पेट्रोल का बाइक भी तो ज़्यादा, पेट्रोल का दाम भी ज़्यादा ही हो गया है। अब थोड़ा सा डालने से तो नहीं होगा, और ये पैसा हम लोग का उतना ये भी नहीं है कि। क्या करते हैं आप? मेरा गैरेज है। गैरेज में काम करते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबरार है। तो आप इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? हम अब दोषी किसको मानेंगे अब? अब हम लोग को जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि अब हम लोग का इतना बेनिफिट नहीं है ना, जो कि हम लोग बाइक चलाएंगे तो इतना दाम का पेट्रोल डालेंगे। कहाँ 60 रुपये लीटर था पेट्रोल पहले, अभी कहाँ 91, अब कितना और कितना दिन बाद तो 100 रुपया पहुँच ही जाएगा। तो 100 रुपया हम लोग तेल ही डालेंगे, जो पैसा बाइक में ही तेल डालेंगे तो कमाएंगे खाएंगे और क्या। ओ लगेगा लगेगा। तो देख रहे हैं दर्शक वृंद, यहाँ लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखा जा रहा है। जो भी युवा बाइक शौक से खरीदे थे, चाय बागान क्षेत्र है यहाँ, चाय बागानों में लोगों को काफ़ी कम दैनिक मजदूरी है। अभी 202 रुपये मिलते हैं और उसमें लोग बाज़ार वगैरह करने आते हैं, शौक से भी लोग बाइक खरीदे हैं और कोई काम करने आते हैं। तो पेट्रोल दाम को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखा जा रहा है। एक और युवा भाई यहाँ तेल भराने के लिए आए हैं, ठीक है कि नहीं? तो देख रहे हैं वो कुछ शायद बोलना नहीं चाहते हैं। कुछ बोलेंगे आप? तो अपना ओपिनियन बहुत लोग दे रहे हैं। तो हम लोग डेस्क बोर्ड पर देख रहे हैं यहाँ पर कि पेट्रोल का दाम काफ़ी बढ़ गया है और लोगों में नाराज़गी है। सरकार से लोग उम्मीद जता रहे हैं कि दाम कम हो, कम होने के लिए लोग गुहार लगा रहे हैं प्रधानमंत्री से। अब देखना होगा कि आने वाले दिन में पेट्रोल पंप सेंचुरी पार करता है या दाम कम होता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। ये हमारे समक्ष हैं बानरहाट के युवा तृणमूल कांग्रेस के अंचल प्रेसिडेंट, एक नंबर ग्राम पंचायत के अजय चौधरी। इनको अभी हाल ही में जो है अंचल प्रेसिडेंट का दायित्व दिया है। आपको बधाई हो बानरहाट एक नंबर अंचल प्रेसिडेंट बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी मुझे शुभकामनाएं देने के लिए। आप लोग, आपके चैनल के माध्यम से मुझे काफ़ी लोगों ने पहचाना और जाना है, और मेरी पार्टी में भी, पार्टी लेवल में भी मेरी पहचान बनी है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद जानता हूँ। 29 साल के युवा हैं आप। आप आज के डेट में जो पेट्रोल का दाम जो बढ़ रहा है, जिसके लिए हाहाकार मचा हुआ है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? राज्य सरकार पश्चिम बंगाल भी इस तेल के दाम के लिए टैक्स कम करके कुछ प्रतिशत लोगों को राहत दे सकते हैं, तो ये TMC की सरकार है यहाँ, तो आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो ये महंगाई ये देश के लिए वर्तमान समय में बहुत बड़ा संकट का रूप ले चुकी है अभी तक,
क्योंकि यह महंगाई हमारे देश की जनताओं को बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही है, क्योंकि हम भी एक व्यवसायी है, व्यवसायी होने के नाते हमारे पास भी कस्टमर आते हैं, कस्टमर आने के बाद वो हमें बताते हैं, बोलते हैं कि आप लोग इतना महंगाई कैसे कर दिया। अरे हम महंगाई कहाँ से कर रहे हैं, दाम तो ऊपर से बढ़ रहा है, हम लोग तो बस उसका बनाकर माल को। आजकल हाल फिलहाल में आपने गैस सिलेंडर खरीदा है? जी, मैं घर के लिए गैस सिलेंडर खरीदा, कुछ दिन पहले खरीदा था तो 772 रुपया था, और आज जब मैं फिर से गैस लाने भेजा, मैं 772 रुपया लेकर ही भेजा था, लेकिन मेरा आदमी वहाँ से घूमकर आया और बोल रहा है कि 50 रुपया भैया और बढ़ गया है। तो फिर बाद में मैं 822 रुपया देकर फिर से भेजा, तब जाके मेरे घर का चूल्हा जला। तो ये महंगाई के लिए जो है किससे, राज्य सरकार भी तो टैक्स कम करवा सकती है। देखिए, ये इंटरनेशनल लेवल में जिस प्रकार से बैरल प्रति बैरल जो तेल का मूल्य वृद्धि हो रही है, उसके माध्यम से भी यह मूल्य वृद्धि हो रही है तेल पर, लेकिन केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो भी है, दोनों सरकार को मिलकर बातचीत के जरिए इस महंगाई को कम करने के विषय में सोचना चाहिए, देश की जनता को राहत दिलाने के विषय में सोचना चाहिए। क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रत्येक हर संकट के समय टीवी पर आके जनता को संबोधन देते हैं किस प्रकार से इस संकट से बचना चाहिए। तो इस वक्त वे हमारे जनता को क्यों नहीं संबोधित कर रहे हैं, क्यों नहीं जनता को बता रहे हैं कि इस विपद घड़ी में इस महंगाई से हमारे देश को कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा उन्हें मालूम है, क्योंकि वे ऊपर लेवल में बैठे हैं। इसके लिए इतना महंगाई जो बढ़ा है, इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? देखिए, जिम्मेवार तो अब क्या, जब कांग्रेस की सरकार थी, आज 2014 से पहले तो भारतीय जनता पार्टी भी इसका खुलकर पूरा प्रदर्शन करके विरोध करती थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम सारी महंगाइयों को कम करेंगे, तेल का दाम कम किया जाएगा। लेकिन जब से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लगभग 7 साल होने को है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तो इसको देखते हुए तो अब क्या बोलें, क्योंकि केंद्र सरकार को दोषी ठहरा है या इंटरनेशनल मार्केट को दोषी ठहरा है, क्योंकि जो भी सरकार आ रही है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। तो अभी पेट्रोल कैसे भरवा रहे हैं आप? पेट्रोल अभी मैं बहुत दिनों से मैं पेट्रोल भरने गया नहीं हूँ, मेरा स्टाफ जाता है या मेरा भाई जाता है, लेकिन सुनने को तो ऐसा है कि 91 रुपीज़ पर लीटर ऐसे कुछ है। अभी संतुष्ट हैं आप इतने रेट से? जी, अब सेंचुरी मारने वाली है, हमें खुशी होना चाहिए कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जब वो हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनका उम्र से पेट्रोल के दाम की तुलना करते थे, आज नरेंद्र मोदी जी की उम्र से काफ़ी बढ़कर वो तेल का दाम बढ़ चुका है, और सेंचुरी मारने की ओर भी अब अग्रसर हो चुकी है। बहुत जल्द हमें सुनने को मिलेगा कि पेट्रोल की सेंचुरी हो रही है। इसका प्रभाव चुनाव में पड़ेगा बंगाल के चुनाव? जी, 100% पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बहुत बड़ा विषय है देश के लिए, देश की जनता के लिए, क्योंकि देश की जनता का आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन महंगाई में ताबड़तोड़ वृद्धि हुई है, और इस बार की जनता उसे ही वोट देगी जो उनके सुख दुख में साथ खड़े हैं। मोदी जी ने तो बहुत चावल दाल बांटे हैं, तो लोगों का रुझान तो उधर भी जा सकता है। जी देखिए, चावल दाल वो सरकारी संपत्ति थी, सरकारी संपत्ति जो कि हमारे देश के जनता के लिए ही रखी जाती है, और उस विपद के समय में, क्योंकि विपद भी तो केंद्र सरकार ने ही लाया था, क्योंकि कोरोना तो ऐसे कहीं से चल के पैदल तो नहीं आ गया। जब आपको केंद्र सरकार कैसे लाया था, ये तो चाइना से आया था कोरोना। जी जी जी, जब WHO ने कोरोना वैश्विक महामारी की जानकारी बहुत पहले ही दे दिया था हमारे देश को, अगर उस समय अगर हमारे केंद्र सरकार अगर अच्छी तरह से इसको देखभाल करते, और जो विदेश से जो हमारे देश में जो लोग आ रहे थे, अगर उस समय ही क्वारंटाइन का सिस्टम किया होता, तो शायद इस तरह से हमारे देश में इतना कोरोना नहीं फैला होता, और हमारे देश की परिस्थिति अभी ऐसी नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको हमारी तरफ से, इसी तरह पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते रहिए। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए और अपने चैनल के माध्यम से मेरा इंटरव्यू लिए। मैं आशा करता हूँ आपका यह कार्यक्रम काफ़ी सफल हो, क्योंकि आपने जनता की आवाज़ को ऊपर पहुँचाने का यह
अपने चैनल के माध्यम से प्रयास किया है, और मैं जनता से भी निवेदन करता हूँ कि NEI डूअर्स न्यूज को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया में शेयर भी करें, क्योंकि दूसरों को भी प्रेरित करें कि यह चैनल से जुड़े, क्योंकि यह हमारी डूअर्स की चैनल है, हमारे डूअर्स के हर वो खबर को दिखलाती है जो कि घटती है यहाँ पे। तो दर्शक वृंद, ये हैं हमारे अजय चौधरी जी, जो अभी अभी तृणमूल कांग्रेस में बहुत दिनों से काम कर रहे थे। इनको तृणमूल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया है बानाहट एक नंबर अंचल पे कमेटी की ओर से। तो अभी आप लोग देखते रहिए, आज जनता की ओपिनियन पेट्रोल पंप के ऊपर। दर्शक वृंद, आज हम बानरहाट के एक युवा संजय चौधरी, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, बानरहाट ही नहीं द्वारस इलाके के विभिन्न जगहों की समस्या को सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह में ये उठाते रहते हैं, आज मैं बात करूंगा इनसे। ये भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा के सांसद वगैरह, मंत्री वगैरह का भी काफ़ी न्यूज सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, और बड़े बेबाकी से अपने बात को ये रखते हैं निडरता के साथ। महंगाई जो बढ़ी है, इससे लेकर लोगों का काफ़ी नाराज़गी देखा जा रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो नमस्कार रमन जी, आप बोल रहे हैं पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, तो ये दाम कब से बढ़ा है पहले इस चीज़ को ध्यान में देना जरूरी है। और 2014 में जब पेट्रोल का दाम था, पेट्रोल 2014 में 80 रुपये के आसपास था और आज 91 के आसपास है, और 11 रुपये के आसपास ये 2014 के बाद ये रेट हम लोगों को लग रहा है मूल्य वृद्धि हुई है। सही है, हम रेट बढ़ी है, लेकिन ये जो रोड में विधवा विलाप हो रहा है, मैं कल सिलीगुड़ी से आ रहा था और मैं देख रहा था TMC वाले पूरा झूम झाम के एकदम रोड में ये मोदी जी को गाली दे रहे हैं, उनके खिलाफ़ नाराबाजी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि पेट्रोल डीजल और गैस का दाम बढ़ गया। अब आप एक बताइए, देश ने अभी लॉकडाउन से अभी हम उभरे हैं, और हम जब उस समय जब देश लॉकडाउन में था, हम लोगों ने पूरे भारत को दवाई ही नहीं, हम लोगों ने बहुत कुछ दिया है। आप देखे होंगे किस तरीके से अमेरिका ने भी भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मांगी थी दवाई, जो कि मलेरिया के आता लिया आता है उसको, तब उस दवाई को मांगा गया था हाइड्रोक्सी कोविड में काफ़ी काम किया। जी हाँ, जो कोविड में काम किया उस दवाई को मांगा, और हम लोगों ने सबको निःशुल्क दिया, पैसा नहीं लिया। और अभी भारत पूरे वर्ल्ड को वैक्सीन दे रही है, बहुत सारे देश को हम लोगों ने निःशुल्क दिया है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख के खेप के सब हम लोगों ने निःशुल्क दिया है, और भारत जहाँ था, और आज मोदी जी के नेतृत्व बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन संजय जी, दुनिया पड़ोसी को हम खिला रहे हैं, अपने घर के लोग अगर भूखा मरे अभी तो ठीक नहीं है। यहाँ जो महंगाई, अभी सिलेंडर का दाम हो गया आपको 823 रुपया, पेट्रोल अभी सेंचुरी लगने वाला है, डीजल का दाम 80-85 रुपया हो गया है, तो इसको लेकर तो घर के लोग तो परेशान हैं, भारत के लोग। देखिए झाजी, आपकी बात बिल्कुल सही है, पेट्रोल डीजल ही एक ऐसा चीज़ है जिससे सेंट्रल को टैक्स मिलता है। केंद्र की सरकार, आप सही माने तो केंद्र की सरकार इसको GST में लाने को तैयार है। भारत का सर्वोत्तम GST कितना परसेंट है आप बताइए कितना परसेंट है सबसे हाईएस्ट? 28% है, तो 28% हो जाएगा। क्या राज्य, क्या हमारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, मैं पश्चिम बंगाल में बसवास करता हूँ, मैं यहाँ निवास करता हूँ, मैं इसलिए दीदी से पूछना चाहता हूँ कि दीदी, क्या आप भारत में पश्चिम बंगाल में GST के अंतर्गत पेट्रोल और डीजल को चाहते हैं? तो आप सरकार को आवेदन भेजिए, सरकार तैयार है, जब GST में आ जाएगा तो 28% 35-36 रुपये 40 रुपये हम लोग का डीजल पेट्रोल मिलेगा। राज्य करती नहीं है, राज्य तो कर सकती थी। पश्चिम बंगाल ही क्यों GST में? 17 राज्यों में भाजपा की सरकार है। मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूँ, इसलिए मैं पश्चिम बंगाल इंगित किया हूँ। मैं पूरे राज्य, भारत में जितने भी राज्य है, मैं उनके तमाम मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप लोग इसको GST में ले आइए ना, आप लोग GST में लाइए, दैट्स ऑल, बात खत्म। अच्छा, ये जो पेट्रोल को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, पेट्रोल डीजल के बढ़ोतरी दाम को लेकर, इससे ये लोग जो कर रहे हैं, ये इससे क्या कोई असर पड़ेगा पश्चिम बंगाल चुनाव में? सबसे बड़ी बात है, आंदोलन कौन कर रहा है? आंदोलन वो लोग कर रहे हैं जिसको राजनीति रोटी सेक रहे हैं। और ये विधवा विलाप कौन कर रहा है? यही लोग तो कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जिन्होंने अपने पैसे से गाड़ी खरीदा है, उन्होंने अपने पेट्रोल के लिए पैसा रखा है और पेट्रोल भरवा रहे हैं,
और टेंशन किसको हो गया जो दहेज की गाड़ी में घूमते हैं, जो हराम की गाड़ी में घूमते हैं, टेंशन उसको होके रखा हुआ है, बाकी बस सब सही है। 100 रुपये तक पेट्रोल 100 रुपये तक जाए तो आम जनता मोदी जी के साथ है। टोटल सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोविड के समय लोगों ने कहा था कि मोदी जी आप पेट्रोल का दाम 100 रुपये कर दो, हम आपके साथ में हैं। तो फिर कहाँ है विधवा विलाप ये लोग क्यों कर रहे हैं? और इन लोगों के पास कोई और राजनीति मुद्दा बचा नहीं है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक पेट्रोल डीजल गैस मिला है मौका उसमें ही है। आप खाने की चीज़ों को देखिए ना, खाने की चीज़ों को देखिए, खाने की चीज़ों में भी सरसों का तेल लगभग 150 से ऊपर, उसकी गुणवत्ता को देखिए। पहले किस गुणवत्ता का तेल हमारे देश में आता था, हम क्या खाते थे, सरकार ने उस पर पाबंदी लगा के उसकी गुणवत्ता को सर्वश्रेष्ठ करवाया है और फैक्ट्री वालों को मिल वालों को बोला गया है कि आप इस गुणवत्ता वाली तेल को मार्केट में नहीं भेज सकते हैं। पहले जिस प्रकार का तेल हम खाते थे, पाम ऑयल वगैरह, जी हाँ, वो सारे पे अभी बैन लग रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, हम खाएंगे अच्छा, 5 रुपये अगर बेची देखिए हमें खाना अच्छा मिले तो बढ़िया है, वो तो गुणवत्ता वाली बात आ गई। आप बात कीजिए दाल की, दाम बात कीजिए दाल, इससे पहले यूपीए के शासन में हमें 100 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपया, 150 रुपये के आसपास दाल था, और आज क्या रेट है? अब वहाँ बात कीजिए ना, महंगाई सिर्फ पेट्रोल डीजल पे आप बोल दीजिएगा तो नहीं होगा। मैं फिर से कह दूँ, 2014 से पहले 2013 के आसपास 80 रुपये था पेट्रोल, और 2021 में लगभग 7 साल बाद में सिर्फ 11 रुपये की बढ़त दिख रही है, तो उसमें कुछ ज़्यादा हराने वाली बात नहीं है। और देश की जनता पहले ही कह चुके हैं मोदी जी को कि 100 रुपये तक हम मोदी जी के साथ है, 100 रुपये के अगर पार करता है तो मोदी जी हम सोचेंगे किसको वोट देना है। और हम एकदम आश्वस्त हैं, निश्चिंत हैं कि हम बहुत भारी मतों से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बना रही है, और सरकार ही नहीं बना रही है, पूरे बहुमत के साथ 200 प्लस अमित शाह जी ने जो लक्ष्य रखा है उससे ज़्यादा हम लोग लेके आ रहे हैं। तो ये जो पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ा है उससे लेकर कई राज्यों में देखा गया है कि मुख्यमंत्री ने टैक्स कम किया है, जैसे दिल्ली के केजरीवाल जी ने किया है, ऐसी उपेक्षा कर रहे हैं यहाँ से भी? पश्चिम बंगाल पर हम नहीं करते हैं ऐसा उपेक्षा। दीदी के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी है, दीदी को इमाम भत्ता देना पड़ता है, दीदी को दुर्गा पूजा में पैसा देना पड़ता है, दीदी तो हमेशा जात पात की राजनीति की है, तो ये सब कम करके आम पब्लिक के लिए दीदी कभी कुछ की नहीं है, कभी सोची नहीं है। 12th का एग्ज़ाम था तो गन पॉइंट पे टीचरों के द्वारा सबको टैब बांटा गया, और जो टैब खरीद लिया उन लोगों को पैसा दिया गया 10,000 रुपया करके, जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। तो यहाँ हमेशा जो आप कहना चाहते हैं कि जो 10,000 रुपया मोबाइल का जो छात्रों को दिया गया, ये जो मतलब छात्र अपने से खरीदे हैं? जी नहीं, छात्र ने ऑलरेडी खरीद चुके थे, जब उनको ऑनलाइन क्लास करना था उन्होंने खरीद के इस काम को कर लिया था। दीदी अब देख रहे हैं कि देश के युवा उनके साथ नहीं है, तो इन्होंने 12th के बच्चों को जबरन पकड़ के गन पॉइंट पे टीचर लोगों को खटाक के खटनी करवा के ये गन पॉइंट पे इन लोगों ने टैब और ये दिलवाया, और इन्होंने बहुत सारी कंपनियों को टेंडर दिया कि 1.5 लाख टैब चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसा कोविड के कारण कोई भी ऐसा कंपनी इनको नहीं मिला जो ये टेंडर ले सके। लास्ट में इन्होंने बाध्य होकर टीचरों को बुला अल्टीमेशन जारी किया कि 2 दिन के अंदर में आप लोग सारे टीचर इंस्टीट्यूशन को बुलाइए और बिल लीजिए, और ये हमें ये क्या बोलते हैं इस पैसा को अगर नहीं है तो उसके पैसा के अकाउंट में उसको दीजिए, इस तरीके से। ठीक है, तो छात्रों को 10,000 रुपया करके अकाउंट में मिला है जी, ठीक है कि नहीं, इसकी बहुत प्रमाण भी आई है जी। तो चलिए, बड़ी बेबाकी से आपने अपने इस डीजल पेट्रोल के दाम को जो है आपने यहाँ रखा, लेकिन कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ोतरी को लेकर जनता में कहीं ना कहीं नाराज़गी है। लोगों का यह भी कहना है कि राज्य सरकार भी कुछ टैक्स कम करे, केंद्र सरकार भी कम करे ताकि लोगों को राहत मिले। आज बानरहाट में संजय चौधरी जी के साथ हमारी बातचीत हुई, बड़े बेबाकी से इन्होंने अपने सवाल को का जवाब दिया। आने वाले भविष्य के लिए संजय जी आपको बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं एनआई द्वास न्यूज़ की तरफ से। धन्यवाद धन्यवाद झाजी, आपने कहा फिर से कि पब्लिकों में बहुत ज़्यादा रोष है, ये पब्लिक में रोष नहीं है, रोष है तो ये खाज है, एक मौका मिल गया है TMC वाले को राजनीति करने का, करने दीजिए कोई बात नहीं। जनता ने मन बना लिया, ठान लिया है कि पेट्रोल 100 रुपया तक भी जाएगा तो मोदी के साथ है, 100 के बाद वो सोचेंगे।